चलो जी रस्म शुरू करते हैं। हाँ जी हाँ जी चलो शुरू करो। ओहो स्यापा, अभी लाइट क्यों चली गई है? क्या हो गया? क्यों हो गया? तो जुड़ गया कहीं, चेक करो कोई जाके। मेयर ने जो केक बनाया था ना वो हानिया से गिर जाता है। अब भाई वो जान पूछ के तो गिराती नहीं है। यहाँ पर लियो चलता है चाल, यहाँ पर लियो ना एक धागा रख देता है सामने, और ये तो उसकी माँ की चाल है ना, हमें पता ही है। मैं देखता हूँ। मैं कह रही हूँ कि लाइट के चक्कर में ना मुहूर्त ही निकल जाना है। मैं नहीं इंतजार कर रही हूँ बत्ती आने का। हाँ मैं चुन्नी चढ़ा रही हूँ, मैं कर रही हूँ रस्म पूरी। हाँ ठीक है। तू किस तरीके से उसने 5 दिन के लिए भाई यहाँ पर रुकवा लिया है, और मेहर के साथ हानिया भी रुक गई, और जान पूछ के ये उसकी माँ ने किया है क्योंकि वो चाहती है भाई उससे बदला ले। किस तरीके से मेहर ने उसकी बेइज्जती की थी ना यहाँ पर, उसको याद है। सारा बदला लेना चाहती है। वो यही करती है कि यहाँ पर जो लियो होता है ना वो धागा रख देता है, और एकदम अचानक से हानिया गिर जाती है और पूरा केक उसके ऊपर गिर जाता है, सब खराब हो जाता है। मैंने मेयर की जगह हानिया को चुन्नी चढ़ा दी। अरे रब्बा, ओए मैं की कित्ता है। अब ये मेहर देख के ना उसको बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने इतने मन से बनाया था ना सरब के लिए केक। हमने देखे भी थे किस तरीके के रोमांटिक सीन्स भी चल रहे थे उन दोनों के बीच में किचन के अंदर, और यहाँ पर भाई मम्मी ये क्या हो रहा है? पहले गृह प्रवेश में भी ये आ गई और अब चुन्नी इसके सर पर चढ़ गई। ये रोमांटिक सीन जल्दी से दुश्मनी में भी बदलने वाले हैं, वो आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन अभी तो ये पता ही नहीं था कि भाई वो केक गिर जाएगा क्योंकि उसने इतने प्यार से बनाया था और केक गिर जाता है, और यहाँ पर मेहर बहुत गुस्सा करती है। इससे पहले भी मेहर गुस्सा कर चुकी थी क्योंकि हानिया और सरब को वो मार्केट में देख लेती, और सरब भाई झूठ बोल के चला जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो सरप्राइज देने जाता है। पर यहाँ पर मेहर समझती नहीं है, और जो सरब की माँ होती है ना वो भड़का रही होती है उसको, और वो भड़का भी देती है। अब मेहर के दिमाग में ऐसी चीज आ गई कि उसे लग रहा है कि भाई सरब को वो छीन रही है, और यहाँ पर हानिया बहुत बड़ी दुश्मन हो गई है उसकी। अभी तक तो सरब उसका दुश्मन था, अब हानिया उसकी दुश्मन हो गई। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से यहाँ पर हानिया भाई अपना रिश्ता बचा पाती है, क्योंकि अब एक और सीन आ जाता है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सरब और हानिया है वो एक दूसरे के बहुत करीब है, और हानिया यहाँ पर सरब के रूम में, यहाँ पर उसको समझ में नहीं आता कि ये मेरे रूम में क्या कर रही है, और यहाँ पर उस पर भड़क जाती है। पर भाई भड़कने के बाद भी वो सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ सरब बोल रहा है कि पूरी बात तो सुनो, पूरा उसको सफाई तो देने दो, उसको तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेयर सुनती नहीं है, और सरब गुस्से में आके उससे रिश्ता तोड़ देता है। अब भाई रिश्ता तोड़ देता है, वाकई में टूट जाएगा या क्या होगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे।